नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर प्रश्न पत्र को, जो कि दिनांक 30 जनवरी 2019 को डीएलएड 2018-22 के प्रथम सेमेस्टर में पूछा गया था, हल करने जा रहा हूँ। तो यदि आप भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ऑप्शन नंबर 3 ट्रांजिस्टर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सर्च इंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की, डाटा को व्यवस्थित करना उनकी गणना करना कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रोसेसिंग करना इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याहू भी सर्च करने के लिए काम आता है, गूगल से भी सर्च किया जाता है, बिंग भी एक सर्च इंजन है। इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है। दोस्तों एमएस ऑफिस जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि एक स्थान पर फिक्स करके यूज किया जाता है। लैपटॉप की भांति यह पोर्टेबल नहीं होता है और एक निश्चित स्थान पर इसको रख करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों स्क्रीन पर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के संबंधित परिभाषा को देख पा रहे होंगे। सातवां प्रश्न था, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम के रिसोर्सेज को प्रबंधन और उसके नियंत्रण का कार्य करता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। और इसको और अधिक समझने के लिए आपको यह ब्लॉक डायग्राम देखना होगा, जिसमें जो हार्डवेयर होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मेडिएटर का कार्य करता है, यानी कि सिस्टम और यूजर के बीच में यह एक माध्यम का कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी रिसोर्सों को एक बार चेक करता है और उनका समन्वय स्थापित करता है यूजर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। आठवां प्रश्न पूछा गया था, एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का एक घटक है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है और इसको स्लाइड्स के रूप में बनाया जाता है। नवा प्रश्न पूछा गया था, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर उसे बोलते हैं जो कि प्रिंटिंग हेड होता है और जो जिस पर प्रिंट करना है, यानी जिस पेज पर प्रिंट करना है उसके मध्य एक सामंजस्य स्थापित होता है और उसका एक दूसरे पर वह प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। लेकिन वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा होता है जिसमें कागज़ और जो प्रिंटिंग हेड होता है उनके बीच कोई भी संपर्क स्थापित नहीं होता है। जो प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वह विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल मल्टीपल फंक्शनल प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। दसवां प्रश्न पूछा गया था, वर्कशीट किसे कहते हैं। वर्कशीट एक बुक के पेज की तरह होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वर्कशीट में कुल 65,536 रो होते हैं और 256 कॉलम्स होते हैं, और इन सबको जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं उसको सेल बोलते हैं। और एक वर्कशीट में कुल सेल की संख्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रत्येक कॉलम का एक नाम होता है जिसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप कॉलम की एड्रेस फिर रो के एड्रेस को मिला देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझिए, अगर आप पहले सेल की बात कर रहे हैं तो यानी कि पहला कॉलम और पहला रो यानी कि 1-1 उसका एड्रेस हो जाएगा।
स्क्रीन पर आप एक वर्कशीट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का आप खाना देख पा रहे हैं इसी को सेल बोला जाता है। और यहाँ पर जो आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिख रही हैं और क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं, इनको ऊर्ध्वाधर वाले को कॉलम बोलते हैं और क्षैतिज वाले को रोज बोलते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया था, स्पैम किसे कहते हैं? इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है स्पैम कहलाता है, यानी कि अनचाहे विज्ञापन को ही हम स्पैम के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। 13वां प्रश्न पूछा था, लाइट पेन क्या है? दोस्तों लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको स्क्रीन पर चलाते हैं और इसके पीछे एक तार निकला रहता है जो कि स्क्रीन की संवेदनशीलता को ग्रहण करता है और उसी के अनुसार स्क्रीन पर या रेखाएं या फिर जो कुछ भी अपने द्वारा इनपुट दी जाती है उसको वह प्रदर्शित करता है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। दोस्तों मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन एंड वीडियो का मिलता जुलता रूप है एवं जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और मल्टीमीडिया के लिए उपकरण की बात की जा रही थी तो आप इसमें देख सकते हैं, मल्टीमीडिया में पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो की बात की जा रही है, तो यानी कि इसमें माइक्रोफोन और इसके अलावा स्पीकर्स और प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी इसके मल्टीमीडिया के हार्डवेयर हो जाएंगे। 16वां प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इसमें सर्वर की भूमिका क्या होती है? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सूचनाओं को एक बड़े कंप्यूटर के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों को प्रदान करता है। इन सूचनाओं के तंत्र को ही कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर की भूमिका भी पूछी गई थी तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता को विभिन्न सुविधाएँ जैसे कि फाइलों का अंतरण करना, प्रिंट करना अथवा शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजना आदि प्रदान करता है, या हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकते हैं। तो पूरे नेटवर्क का सर्वर सबसे मेन पार्ट होता है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करना और इसके साथ ही साथ डेटा शेयर और प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटर को भी शेयर करने का कार्य करता है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट क्या है? इसका क्या कार्य है? इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक संयोजन है। इसे संयुक्त रूप से नेटवर्क कहा जाता है और इंटरनेट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ इंटरनेट के कार्य को भी पूछा गया था, तो आज इंटरनेट के बगैर दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी सूचना हो आप मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में भी इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। घर बैठे ही आप दूसरे देशों के या फिर दूसरे व्यक्तियों के व्याख्यान को आप आराम से इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। दोस्तों स्क्रीन पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देख पा रहे होंगे, यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट आपके ओपन होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर लेफ्ट कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। यह स्प्रेडशीट जो होता है एमएस एक्सेल, यह रोज और कॉलम में विभक्त होता है और रोज और कॉलम एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वह एमएस ऑफिस का एक घटक है और यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।
फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्र को हल करके मैंने अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप उनको जरूर देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।